नमस्कार फ्रेंड्स, आज कविता किचन में सत्यनारायण की पूजा हो रही है तो उसके लिए हम बना रहे हैं कसार। मतलब लड्डू के हिसाब से तो घी नहीं डलता, थोड़ा सा कम डलता है और बहुत कम डालेंगे तो वो सूखा सूखा बिल्कुल नहीं अच्छा बनेगा। और बूरा भी इसमें बराबर का ही डलता है। यदि तुमने आधा किलो आटा ले रखा है तो आधा किलो नहीं तो 450 ग्राम बूरा पड़ ही जाएगा। और थोड़ी मेवा मखाने इसमें ही डालेंगे जिससे ये भून जाएंगे मखाने। फिर बना रहे हैं ये कसार बना रहे हैं, फिर पंचामृत भी बनाएंगे। मखाने इसमें ही भून जाएंगे ऐसे करके, बाकी मेवा को भूनने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मखानों को भूनने की ज़रूरत है, इसलिए मखाने आटे के संग संग भून जाते हैं। मतलब आटा तो काफ़ी भून चुका है, अब बस थोड़ा सा ही रह गया तो इतनी देर में मखाने भून जाएंगे। भून चुका है ये, इसमें ना मेवा भी काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी बारीक मेवा करके। ये है गोले का बुरादा, ये है काजू और ये है थोड़े से बादाम। और इसमें ये डालिएगा ज़रा ठंडा होने पर बूरा, या बूरा नहीं है आपके पास तो चीनी पीस के डाल दीजिए। और ये मेरा हो चुका है, इसमें मखाने में डाल चुकी हूँ। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालूँगी, तुलसी भी डालूँगी क्योंकि ये कसार है, प्रसाद है। फ्रेंड्स, पंचामृत के लिए हमें 5 चीज़ें ज़रूरी चाहिए, घी, गाय का दूध, दही, गंगाजल और शहद। बाकी तो आपका जो मन है आप डाल लीजिए, मेवा डालिए और तुलसी ज़रूर डलेगी। ये 5 चीज़ें डलेंगी और तुलसी डलेगी, थोड़ी सी मेवा भी डालेंगे। शहद डाल दिया है ये देखिए, अब इसमें हम डालते हैं गाय का दूध, इसमें घी भी डलता है। ये थोड़ा सा गोले का बुरादा और ये थोड़े से मखाने। तुलसी भी डलेगी और ये है गंगा जल थोड़ा सा। तुलसी के पत्ते भी डालेंगे, फिर देखते हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा होएगा तो थोड़ा गंगा जल और डाल देंगे। ये है बूरा, बराबर से थोड़ा कम डाल दीजिए, आधा किलो है तो 400 ग्राम डाल दीजिए बस। ये पड़ेगा पंचामृत में। कसार और पंचामृत दोनों में बस तुलसी दल बचा है जो पंडित जी डालेंगे। सत्यनारायण का प्रसाद हमेशा सवाया बनाया जाता है, सवा शेर या ढाई शेर या 5 शेर, कम से कम सवाया जरूर होना चाहिए। 56 भोजन बिन तुलसी के एक ना माना है। बस इसमें अब तुलसी दल डलेगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में तुलसी दल डलेगा और मेरा कसार और पंचामृत तैयार है। दल डल चुका है और प्रसाद तैयार हो चुका है। आपको मेरा मेथड अच्छा लगा हो चरणामृत का और कसार का, तो आप भी अपने घर में कथा में इस तरह से बना के देखिएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। थैंक यू, बाय बाय।